क्या फादर ने कहा मुझे नेता? क्या मैंने किसी प्रतिनिधि पार्टी को सदस्य को बुलाया? कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी मैं भीख मांगने आया हूँ। यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। मैं भीख मांगने आया। मेरा भाइयों आपसे निवेदन है, अगर स्कूल हमसे चल रहा है, अगर आप भीख मांगने हैं तो इस स्कूल को दी जाने वाली फीस क्या है? सर ठीक है, आप भीख मांग रहे हैं हमसे। सुनिए तो सही, सुनिए तो सही भैया, भैया आपने मुझे नेता कहा, बुला मैं बुलाऊंगा अभी। एक मिनट मेरी बात पर दोनों एक बात मैं कहना चाहूंगा। अरे भैया पटवारी बैठे 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 चलिए बैठो बैठो हमारी बात की है। मेरे को भी सबको भिखारी बोला इन्होंने। आप गलत कहा है, आप बात तो करिए। अगर इस संस्थान ने हमें कहा कि हम भीख मांग रहे हैं तो ये बैठिए बैठिए जिसकी इस बड़ी बिल्डिंग को हमने सबने साकार किया, वो मुझको आप लोगों के सामने भिखारी कहता है। और आपको नहीं, हमको सबको भिखारी बोला, सबको भिखारी कहता है। सबको भिखारी कहता है, इसलिए तो आप 50% सबने लिया है, सब भिखारी हो गए। यानी 50% सबने लिया है, इसलिए आज जिसने भी 50% लिया है वो सब भिखारी हो गए। तो मैं ये कहता हूँ आपसे, मैं यह कहता हूँ आपसे कि अगर मैं भिखारी मांग रहा हूँ, माता बहनों को भी भिखारी कहा गया है, माता बहने भी है, तो ये शब्द मुझे स्वीकार नहीं। तत्काल प्रभाव नहीं है, हमको भी स्वीकार नहीं। तत्काल प्रभाव से मैं इसका प्रतिकार करता हूँ और मैं यहाँ पर अन्न त्याग कर रहा हूँ आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल इस गलत चीज के साथ अन्न त्याग कर रहा हूँ। मेरे को अब ये हिला गए और दिखा देवे, अब पुलिस प्रशासन यहाँ आवे या जिस भी तरह से, मगर जी फादर को इसको अरेस्ट किया जावे यहाँ से। इसने मेरे को गलत शब्द कहा है। आपको नहीं, सबको कहा है। सारी बोला फिर भी हंस लिया। नहीं, सबसे बड़ी बात इसमें ये रही है कि उसका सिर्फ एक शब्द निकला भिखारी, पता नहीं उसके दिमाग में और क्या क्या होगा। हाँ, एक शब्द निकला है, बड़ी मुश्किल से निकला है वो, और उसके अंदर पता नहीं क्या क्या होगा। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप लोग शालीनता से सब बैठ जाओ। हम अगर भिखारी हैं तो ये स्कूल प्रशासन हमारे बारे में आप सोचे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही आइडिया ही सोचे।